दोस्तों इस देश में जो सबसे खतरनाक चीज है, जो सबसे खतरनाक रूप से इफेक्ट कर रही है, वो है कोरोना से भी ज़्यादा इफेक्टिव है सोशल मीडिया पर चीटिंग। सोशल मीडिया पर जबरदस्त चीटिंग हो रही है। शायद आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास इस तरह के मैसेज ना आते हो, इस तरह से कॉल ना आती हो जिसमें ठग कोशिश करता है आपको चीट करने की। लगातार कोशिश होती रहती है, हर डे आते हैं फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तमाम तरह की कोशिश होती है। लोग हजारों की संख्या में लोग ठगे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाता, ठगों के ऊपर अंकुश नहीं लग पाता और हर दिन भारतीय ठगे जाते हैं। और आज मैं एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसका बच्चा इस ठगाई के रूम में अपनी जान गंवा चुका है। यानी ठगों ने उनसे पैसा भी लूटा और सामान भी नहीं दिया, और अंत में बच्चा इतना प्रेशर में आ गया, साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस हो गया कि उसने अपनी जान दे दी। मेरठ का ये मामला है। यहाँ वो परिवार है, पीड़ित परिवार, तमाम लोग बैठे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो बच्चा था, इस बच्चे का जुड़वा भाई था। क्या नाम है आपका? रोहित और मोहित तो भाई थे, लेकिन आज एक ही रोहित आपके सामने है, मोहित नहीं है। वजह है साइबर रूप से इसके भाई को चीट किया गया, एप्पल का फ़ोन दिखाया गया और बताया गया कि सस्ते, बहुत सस्ते में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, और लगातार उससे 4-5-6 बार ट्रांजेक्शन करवाई गई, ना फ़ोन आया। और बाद में अब तक भी वो बच्चा इस धरती पर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस कॉलर का, चीटर का लगातार फ़ोन आता है, 18,000 की अभी तक भी मांग की जाती है। ये लोग साइबर क्राइम ऑफिस भी गए मेरठ में, स्थानीय थाना जो कंकरखेड़ा है वहाँ पर भी गए, और कोशिश है कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कराया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के घर का दीपक वो बुझा दे। अब देखना होगा कि पुलिस उस तक पहुंच पाती है ना पहुंच पाती है, लेकिन ये वीडियो जरूर उन माँ बाप की आँख खोलने के लिए बनाया जा रहा है, उन बच्चों की आँख खोलने के लिए बनाया जा रहा है जो देख ले कि किस तरह से एक परिवार बर्बाद हो रहा है। ये दिनेश है जिनके बेटा था, ये पूछेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेंगे और पता करेंगे कि कैसे हुआ। दिनेश बताइए किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। मैं तो काम पे था, बच्चे यहाँ थे, इन्होंने फोन का कुछ लफड़ा था, इन्होंने आप बताया कुछ नहीं हमें, दोनों बच्चों ने मतलब बड़ा भाई भी था, दोनों साथ थे। अच्छा अच्छा। इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, पर इन्होंने पैसे भेजो गया कि फोन आ लग रहा है, फोन आ लग रहा है। जब इसने बोला कि 2:30-3 बजे तक मेरा फोन आ लगा, 2 बजे तक फोन आ लगा, अगर फोन नहीं आया तो मैं बस वो जैसा भी हुआ इनका आपस में बच्चों को गया। आपको पता ही नहीं कि मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। कितना पैसा आपसे पैसे लिया था उसने? नहीं, मेरे से पैसा नहीं लिया, उसका खाता था, उसका बैंक में जो वजीफा है उनका अकाउंट खुला हुआ था, उसमें 20-30 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, वे उसने उस पे तो सब निकाल लिए। यानी बच्चा बीए कर रहा था, उसके जो वजीफे के पैसे थे जो बता रहे हैं वो आते थे, उससे उसने सोचा कि एप्पल का फ़ोन है बहुत सस्ते में मिल रहा है और उसके थ्रू वो एप्पल का फ़ोन ले लेगा। लेकिन लगातार पर डे पहले 1,000, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर 13,000, कभी 500, लगातार कंटिन्यू हो। आप बताएंगे क्या किस तरह से हुआ, बताए शुरू में सच बताना कि आप देखो बहुत बड़ा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हो गया, किस तरह से हुआ? शुरू में मेरे साथ उन्होंने रुकाया, 10,000 रुपये दे दे शाम तक, मैं तुझे है तेरे उल्टे दे दूँगा, कैसा देगा नो, मेरा जब आईफोन आ जाएगा मैं अब जो सा चाचू ने मुझे दिया जन्मदिन पर गिफ्ट, मैं उसे बेच कर तेरे खत्ते में 10,000 रुपये घेर दूँगा और ये मेरा फ़ोन आ जाएगा। मरना पहले उसे ना करी थी, फिर उन्होंने कहा तू भाई ला दे मेरे खत्ते में से लिकट लेना है, तो मैं खुद अपने खत्ते में से काट लेता सारे पैसे। उनने मगर ठीक है तो चल मैं ला रहा हूँ, मैंने उसे ला कर दे दिए। मुझे अब वहाँ कंटे पर खड़ा होकर नुकैल लगा, ला पैसे दे दे और तू घर चला जा। मैं कहा मैं ना जा रहा, उनका जब फोन का तू घर तो चला जा, मैं फ़ोन लेकर आने लग रहा अभी 20 मिनट मार लिया वो, उसे 1-1.5 घंटा हो लिया, मैंने उस पर फ़ोन करा, मैं कहाँ रह गया, अब लोग फ़ोन ला कह रहा वो जाम में फंस रहा मोदी नगर, उनका वहाँ जाम में फंस गया, कोई बात ना। फिर उसका 20 मिनट बाद वो घर आया, मुझे बुलाया उन्होंने बाहर, उन्होंने कहा 13,000 रुपये मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि मैंने उसे नुकई थी, मैं कहा इतना तेरे हाथ में फ़ोन ना जा, इतने 1 रुपये भी उसे ट्रांसफ़र ना कर दिए, फिर भी उनने 13,000 रुपये कर दिया। मैं चल कोई बात ना, 13,000 रुपये हो गए कोई बात ना, मैं तेरे गिरवा दूँगा इंगत इंगत सा करके, चाचू से ले लेगा थोड़े मोटे, मम्मा से दवा दूँगा तुझे, मगर तू फोन ना करिए। उन्होंने ठीक है तो चल, मगर उनका मगर तू कहाँ जा रहा, मगर उनका मैं उनकी दुकान पर जा रहा हूँ, उधर की दुकान पर बैठूँ, मेरा टेंशन से हो रही है। मगर ठीक है, वो फिर दोबारा एक दोस्त है कोशिंदर, उसे उसकी उसे फ़ोन करके उसकी मोटरसाइकिल ले जाकर
उसकी मोटरसाइकिल ले जाकर फिर खत्ते में जाकर 13,000-14,000 रुपये काट लाया दोबारा वो। उनने फिर साइबर कैफे में जाकर दोबारा से 13,100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए सर। यानी बार बार पैसे ट्रांसफ़र होते रहे। 13,100 रुपये जब उसे ट्रांसफ़र कर दिए तो जब दो बजे मेरे पे कोचिंदा का फ़ोन आया, उनका यहाँ ही है, 12:30-1 बजे फ़ोन आया था, उनका यहाँ ही है। मैं चला गया, मैं कहा होगा, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा इन्होंने इतने पैसे कर दिए। मैं कोई बात ना, मैंने जब भी चाचू पे फ़ोन मिला दिया था, मैं चाचू ऐसा ऐसा बात होगी, चाचू ने फिर उस तक बात करी, उसे समझाया, फिर वो नूरा ठीक है तो मैं घर जा रहा। वो घर आ गया, मेरे दौरा लुटा रहा, फिर दूसरे वाले बेड पर चला गया, मैं सो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर आया, वह उस फ्रिज वाले कमरे में वो रखी थी दवाई, उसे बस लगातार फ़ोन देने वाला बहकाता रहा, अभी जाम में फंसा हूँ, अभी देता हूँ, अभी 10 मिनट में। समझिए आप ठग की कोशिश कीजिए कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह से इमोशनली वो ब्लैकमेल करता रहा कि जब तक आप पैसे ना डालोगे तब तक नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूँ, जाम में फंसा हूँ, और ये इमोशनली लोग सोचते रहे कि फ़ोन आने वाला है, सड़क पर इंतजार करते रहे। चाचा जिसकी बात कर रहे हैं आप, ये चाचा हैं, क्या नाम है आपका, आपसे बात हुई थी, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार। सुनील, कैसे हुआ था ये मामला, आपसे क्या बात हुई थी? मेरे पास फ़ोन आया छोटू का, बोला चाचा मेरे से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, अब वो फ़ोन देने की मना कर रहा और पैसे भेजने की मना कर रहा। मैं कहा तो ठीक है, अब तू और पैसे ना भेजिए, मैं देख रहा। फिर मैंने उससे बात करी, बोला ना मैं फ़ोन भेजने का ना मैं पैसे भेजने का। तो आप उससे कॉलर से आपकी बात हुई है? बात करी। अच्छा, उसने साफ कर दिया ना फ़ोन दूंगा ना पैसे दूंगा। अच्छा, और जो अगर पैसे चाहिए तो 16,000 रुपये और डाल लो तब दूंगा पैसे। फिर मैंने मना कर दिया, हाँ मैंने चाहिए पैसे, अब तू कॉल ना करियो। फिर मैं छोटू से बात करी, मैं तू परेशान ना हो, मैं तेरे खाते में पैसे डाल दूंगा, जो चले गए चले जान दे, अब वो ट्रेस टेंशन ना ले, कल को तेरा पेपर है 25 तारीख में, पेपर था MM डिग्री कॉलेज में, और मगर तू पेपर की तैयारी कर ले, ये करा ठीक है। उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद फिर कोई बात नहीं, फिर इसका फ़ोन आया छोटे बड़े का, नो उसने जहर खा लिया, टेंशन बहुत ज़्यादा ले गए। हाँ। कितने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे तब तक? 27,200 रुपये। आप समझिए कि 27,000 रुपये वो लोग ट्रांसफ़र कर चुके था, वो बच्चा जो 18 साल का था, BA पढ़ रहा था और लगातार दोस्तों से लेकर अपने भाई से लेकर अपने चाचा से लेकर ट्रांसफ़र कर चुका था, ना फ़ोन आया। अब उस प्रेशर में था कि ना तो फ़ोन मिला, पैसे भी चले गए, और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी रकम होती है, लेकिन उस बच्चे ने जो कदम उठाया उससे पूरा परिवार, रिश्तेदार, घर वाले परेशान है, बर्बाद हो गया वो बच्चा, जवान बच्चा। आप देख सकते हैं कि इस उम्र का बच्चा जो बाप के लिए सहारा बन सकता था, बाप उसको पूरे मतलब एक बच्चे से लेकर एक जवान तक किस किस सपनों के साथ एक बाप बच्चों को पालता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज किस तरह से किस मायूस के साथ ये बाबा हैं, ये गांव में रहते हैं, और जब इनको पता चला तो क्या कुछ बताएंगे मास्टर जी? हाँ हाँ बोलो। मुझे जब पता चल गया जब ये बनते हैं नर्सिंग होम में जा लिए, नर्सिंग होम में जाने के बाद मैं इनको यहाँ दूसरे नर्सिंग होम मारे वहाँ गए, उन्हें पहले नर्सिंग होम ने तो दूसरे नर्सिंग होम में जब जा रहे थे उनने बताया कि उनको हमने यहाँ डॉक्टर से पूछ लिया तुम आ जाओ, तो वहाँ जो लेके गए मरीज को एक हॉस्पिटल निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में, तो तुरंत उन्होंने कहा नुकू हमारे यहाँ जगह नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ जगह कैसे नहीं, जब तुमने फ़ोन करके हमें बुलाया, हमने फ़ोन करा तुम्हारे यहाँ जगह खाली है, तुमने क्यों बुलाया हमें, मरीज मारने के लिए बुलाया क्या, वो भी मतलब 2 नंबर का हॉस्पिटल है, तो हमें क्या पता था हमारी क्या ऐसा करेंगे, कह लीजिए आप सीधे दिल्ली ले जाओ। मैं दिल्ली को 1 मिनट में जाता है, 100 किलोमीटर जगह दिल्ली है, दिल्ली वैसे ही चला जाएगा। तो जब उन्होंने मना कर दिया, जी कुछ भी समझो हमारे पास बेड नहीं, तो क्या क्या हमें दूसरे नर्सिंग होम में लेके वहाँ जाके उन्होंने उनको भाई सीरियस है, मैं कहा कुछ भी हो प्रयास तो करो, उन्होंने जो जैसा कुछ प्रयास करा इस बात को तो वो जाने, बाकी 30-35 हज़ार में वहाँ लगा के 11 कुछ पे मतलब डेड हो गया। आप समझ सकते हैं परिस्थिति, समझ सकते हैं उस परिवार की जिसने बच्चा खो दिया, ठगाई में पैसे चले गए, बचाने की कोशिश में लगातार बर्बाद हो गए, और उसके बाद ना बच्चा बचा, और इस तरह से चीटिंग के बाद अब इकोनॉमिकली भी बहुत प्रेशर में है। ये घर है आप देख सकते हैं, औरतें हैं, माँ हैं। दिनेश आएंगे एक बार बात हो जाएगी, कोशिश करते हैं परिवार के हालत। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो माँ बाप अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं, समझाएं, बताएं कि किस तरह से ऑनलाइन चीटिंग की जा रही है, और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो यूथ हैं, बच्चे हैं, वो एडिक्ट हो रहे हैं, फ़ोन के एडिक्ट भी हो रहे हैं, और उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को चीटिंग भी किया जा रहा है। एक मिनट, माहन की क्या नाम है? रेखा, रेखा इसका नाम है। एक मिनट।
नमस्कार जी, कैसे हुआ था ये, कैसे आपकी जानकारी में ये? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हुआ था आपकी जानकारी में, कैसे आया ये मामला? इस तरह मतलब आपको पता नहीं चला कि बच्चा इस तरह से बात कर रहा था, फ़ोन मंगा रहा था ये? ना उतना हमें कुछ नहीं पता, ये ऐसी एक हमें फ़ोन मंगा रहा ना मंगा रहा, और उसके ख़त्म होने के बाद ही फ़ोन में पता चला है, देख देख के। मेरे से तो फ़ोन भी नहीं आता चलाना, तो बाहर से आया घूम फिर के, बैंक में से पैसे भी लाया, कार्ड कार्ड के जमा करे, उसने मेरे से कोई जिक्र नहीं करा। और तो फिर आके उसने जब मुझे 3:35 पे बताया कि मम्मी मैंने जहर खा लिया, मुझे डॉक्टर के ले चलो। अच्छा, फोन पे बताया आपको? नहीं, अच्छा वैसे मेरे धोरे पड़ा यहाँ बेड पे लेट रहा था। अच्छा, वहाँ जाके बताया, उसके उल्टी लगी, उसने जब उल्टी करने के बाद बताया जाके कि मम्मी मैंने जहर खा लिया, मुझे डॉक्टर के ले चल। मैंने उसके बाल पकड़े, पूछ रहे थे ने क्या को खाया, क्यों खाया, कहाँ खाया, मुझे नुकर के दिखा कर नहीं, चुप कर दिया, रह गया। मैंने बाहर निकल कर वरना हम आवाज़ मारी पड़ोस में, अरे विकास मारा तो नास हो गया, हमारे लड़के ने जहर खा लिया, वो लेकर तुरंत सुबह के चला गया। बस यहाँ तो इतना मैटर हुआ और कुछ नहीं हुआ। 3:30 आपको बताया, और उसने खाया किस टाइम था? नहीं हमें नहीं पता कहाँ खा का कहाँ नहीं, ना हमारे घर में कुछ है था ना है ना, उसकी उल्टी में यहाँ सड़ांत भी नहीं आई यहाँ, तो कुछ नहीं पता हमें क्या खाया उसने क्या नहीं आया कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं कि बच्चों की मानसिकता कैसी रहती है, कि किस तरह से अब वो प्रेशर में आके, आइए देख सकते हैं, अब गमगीन परिवार बैठा है, ना माँ कुछ कह सकती है, बाप की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से मायूसी छाई हुई है घर में। और उस बच्चे ने जिस तरह से कदम उठाया है, और वो जो ठग का पूरा गैंग है इस देश में जो चल रहा है, हर दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग ठगे जाते हैं, लेकिन ना कोई मैकेनिज्म है। सच पूछो तो बुलडोजर उनके ऊपर चलना चाहिए, उनके घरों के ऊपर चलना चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इनको किस तरह से रोका जाए? कोरोना से भी ज़्यादा बदतर स्थिति इस समय इस देश में ऑनलाइन ठगी की है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना राज्यों की सरकार की तरफ से, कोई मैकेनिज्म बनता ही नहीं है। आखिर कब, किस चीज़ का इंतजार है, ठगों को किस क्यों छोड़ा जा रहा है इस तरह से फ्री? दोस्तों, ये आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस खबर को इतना वायरल कीजिए ताकि सरकार की आंखें खोल दे, उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे इस समय ऑनलाइन रूप से एडिक्शन का शिकार हैं, लगातार ऑनलाइन रूप से ठगे जा रहे हैं। कई लोग इतने गेम के शौकीन हो जा रहे हैं कि उसमें पैसे हार जाते हैं, जब प्रेशर में आते हैं तो इस तरह का कदम उठा जाता है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि इस देश की इन नौनिहालों को, इन बच्चों को बचाने के लिए कम से कम तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। और सरकार से एक अनुरोध है, पुलिस से अनुरोध है, पुलिस में ये लोग अभी साइबर क्राइम मेरठ गए थे, और स्थानीय जो थाना है कंकरखेड़ा वहाँ पर भी गए थे, रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये आए हैं। और लेकिन कोशिश यही है कि इन जो अपराधी है उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनके अपराध की वजह से एक बच्चे ने जान खो दी है, एक बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया है, और इन तक जब तक ये बातें उन तक नहीं पहुँचेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों, आज भी वो कॉलर अभी भी लगातार कॉल कर रहा है, इस परिवार ने बता दिया कि हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा नहीं बचा है, उसके बाद भी अभी भी फ़ोन करता है, अभी भी फ़ोन करता है। आपने बताया कि बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, तो क्या कहता है? जब भी करो 18,000 रुपये चाहिए, 18,000 चाहिए। हाँ, वो हमने जब हम वहाँ गए थे कैलाशी में ले गए, उसका फ़ोन आया था, तो चाचू ने वीडियो कॉलिंग भी करी थी, सब चीज़ दिखा दी, वीडियो कॉलिंग करके उस पत्ताड़ में ऐसा ऐसा पड़े, जब भी नुकरा मुझे लोंडे था कुछ नहीं लेना, मुझे 18,000 रुपये दे दो। देखिए संवेदनहीनता की स्थिति, देखिए कोई मर रहा है, वो व्यक्ति मर रहा है जिसने 27,000 उसकी जेब में डाल दिए, लेकिन वो आदमी 18,000 रुपये और मांग रहा है, उसे जिंदगी मौत का फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन जैसे दरिंदों को कब कार्रवाई होगी, कब इनको रोका जाएगा? क्योंकि हजारों की संख्या में रोज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फेसबुक पर मैसेज आते हैं, हजारों की संख्या में ठगे जाते हैं। कई लोग शर्म की वजह से पुलिस के पास नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। ये मैकेनिज्म बनना चाहिए, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, और ये इतनी हार्ड बात नहीं कि इस पर अंकुश लगाए। ऑनलाइन चीज़ अगर नहीं पकड़ सकती सरकार, तो फिर कैसे डिजिटल इंडिया की कल्पना कर सकते हैं? किस तरह से आप कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हमारी जो पुलिस है, हमारा जो फास्टैग है, वो काम कर रहा है? तो ये अनुरोध सरकार से भी है और आप लोगों से भी है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार की, जनता की आँख खुले। नमस्कार।